दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाले एपिसोड में साफ साफ यहां पर बोलती हुई नजर आएगी खुशी, वो भी आरवी से, कि आरवी अब तुम्हारे मुश्किल दौर स्टार्ट हो चुका है। तुम मेरी बहन को एक मुश्किल दौर देना चाहते ना, तो तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो स्वयं ही उस खड्डे में गिरता है। और तुम अब मेरी बहन से दूर रहोगे, और मैं बता देती हूँ कि इन 72 आवर्स में मैं अपनी बहन की दूसरी शादी करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी बहन की शादी कराऊंगी और तुम देखते रह जाना, क्योंकि आज के बाद में अगर तुम मेरी बहन के आसपास भी भटकते हुए नजर आए तो तुम्हें जेल की सज़ा हो जाएगी, क्योंकि कोर्ट से पहले ही इस चीज़ के लिए परमिशन ले ली है। आप लोग जानते हैं कि अपनी बहन को सेफली जोन में पहले डाल दिया है इस समय खुशी ने, क्योंकि खुशी ने बोल दिया है कि मेरी बहन पूर्वी मेरे लिए सब कुछ है। अगर उसे किसी भी तरीक़ा से कोई भी तुमसे हम होता है या खरोच पहुँचती है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगे, और तुम्हारे ऊपर फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि दोस्तों कोर्ट से नोटिस भी रिसीव हो गया है इसमें आरवी उफ राजवंश को। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर पूर्वी का मानना ये था कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर इसमें एक्शन लिया जाना बाकी है, और पूर्वी और खुशी दोनों बहनों ने इस समय आरवी के खिलाफ कड़ा आदेश करते हुए एक नया दायरा किया है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ बात की जाए इस समय प्राची की, तो प्राची समय बहुत ज़्यादा अपसेट चल रही है, क्योंकि अपनी दोनों बेटियों के लिए यहाँ पर साफ साफ बोलना यह है प्राची का कि ना जाने क्यों मेरी बेटी को हमेशा से ही कोई ना कोई दुख जरूर नजर आया है। आप लोग जानते हैं कि इस बार फिर बोलती हुई नजर आएगी प्राची कि बेटा अगर हो सके तो देख लो बात बनने की कोशिश होती हो, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात बन ही नहीं रही है आरवी और पूर्वी के बीच में, इसीलिए ही ये पूरे का पूरा फैसला लेना पड़ा था। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, कहते हैं कि हर एक रीजन के पीछे